फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन द एंटीरियर नेक। नेक में यहाँ ऊपर की तरफ पाया जाता है एंड जस्ट बिलो द हायर्ड बोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हायर्ड बोन दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द टंग। ठीक है, हमारे टंग को सपोर्ट देती है, वो भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, एंटीरियरली या कह लीजिए आगे की तरफ, यहाँ पे इसको बड़ा ब्रॉड पार्ट हो जाता है इस हायोइड बोन का, जो कि कहलाती है बॉडी ऑफ हायोइड बोन। पीछे ऐसे प्रोजेक्शन से रहते हैं जो कि कहलाते हैं, ये वाला प्रोजेक्शन जो थोड़ा लार्ज है इसको कहते हैं ग्रेटर हॉर्न या ग्रेटर कॉर्नुआ। ये छोटे से छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन है दे आर कॉल्ड एज लेसर हॉर्न या लेसर कॉर्नुआ। ठीक है, सो ये तीन पार्ट में मेनली हायर्ड बोन होती है। हायर्ड बोन के जस्ट नीचे ना हमारा लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स इज मेजरली मेड अप विद द कार्टिलेज। अगर काउंट की बात करें तो इट इज मेड अप विद द 9 कार्टिलेज, जिसमें कि तीन जो हैं दे आर अनपेयर्ड सिंगल रहते हैं और तीन जो होते हैं दे आर पेयर्ड राइट लेफ्ट के तौर पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हायर्ड के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज मिलेगा। थायराइड कार्टिलेज असल में देखने को यहाँ पे दो प्रोजेक्शन से दिख रहे हैं, लिखा भी है मैंने टू प्लेट्स लैमिना। ठीक है, एक्चुअल में ये प्लेट्स ना राइट और लेफ्ट इस दोनों तरफ से यू आती है और फ्यूज हो जाती है सामने आके। फ्यूज होने की वजह से ना इट अपीयर्स लाइक दैट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर, ऐसा फ्यूज हो जाएगी एंड द फ्यूजन एंगल जो है ना वो 90 से 120 डिग्री तक का होता है। फ्यूज होने की वजह से एक प्रोजेक्शन जैसा बनाती है जिसको कि हम कहते हैं एडम्स एप्पल, विच इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल। ऑल्सो इट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। मेल्स में थोड़ा ज्यादा ये शार्प एंगल बनाती है इसलिए उनका थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। फीमेल में उतना ज्यादा शार्प एंगल नहीं बनाती है तो इसलिए नहीं दिखता। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फीमेल में गायब होता है, फिर कुछ फीमेल्स में होता है कि जो थोड़ा प्रोजेक्शन ज्यादा होता है तो गलती से उनमें दिखता है। ठीक है, वेल सो दिस इज अबाउट द थायराइड कार्टिलेज। मूविंग नेक्स्ट टू दिस कार्टिलेज इज द क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज इज अगेन सिंगल कार्टिलेज। इट्स अ कंप्लीट सी कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि आगे की तरफ पतली होती है, जिसको कि हम कहते हैं आर्च ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। पोस्टीरियर की तरफ बैक साइड में हम देखें तो इट इज कॉल्ड एज लैमिना, ब्रॉडर हो जाती है, ये कहलाती है यहाँ पे लैमिना ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये है सामने का व्यू, ये है बैक साइड व्यू। नाउ देयर इज वन मोर कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट सिंगल इन सिंगल फॉर्म विच दैट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम होता है कि भाई जब भी आप कुछ खाएं तो अपने एयर वे को, ठीक है, कि हमारे लंग्स में कुछ ना जाए, उसका काम होता है कि एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को बंद कर देता है सो दैट फूड वाला पैसेज वाया इसोफेगस एंड एयर वाला पैसेज अलग अलग ही रहे, कोई मिक्सिंग ना हो। ठीक है, एपिग्लॉटिस का काम ये रहता है। नाउ मूविंग टुवर्ड द कार्टिलेज विच रिमेन इन पेयर इज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज एंड रेटिनॉइड कार्टिलेज। ऑर्डर भी इसका इसी तरह से होता है कि जस्ट अबव यहाँ पे बिल्कुल आपका एपिग्लॉटिस के फ्लैप के बंद होने के सीक्वेंस में की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये टकराएगा क्यूनिफॉर्म से, फिर यहाँ पे आएगा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, फिर लास्ट में आते हैं एरिटोनॉइड कार्टिलेज। एरिटोनॉइड कार्टिलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस एरिटोनॉइड कार्टिलेज से ही ना हमारे वोकल कॉर्ड अटैच रहते हैं। वोकल कॉर्ड आर वॉट, दे आर द लिगामेंट्स प्रोजेक्ट फॉरवर्ड एंड अटैच टू द इनसाइड मिड पॉइंट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये यहां से प्रोजेक्ट होते हैं, निकलते हैं और थायराइड कार्टिलेज के मिड पॉइंट में जाके अटैच हो जाते हैं। अच्छा, एपिग्लॉटिस भी ना थायराइड कार्टिलेज से ही अटैच रहती है वाया थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट के थ्रू। सो थायराइड कार्टिलेज से एपिग्लॉटिस भी अटैच हो रही है और वोकल कॉर्ड भी अटैच हो रहे हैं। ठीक है भाई, अब चर्चा करें कि ये जो आवाज की मैंने बात बताई कि वो इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। देखिए वोकल कॉर्ड है, ठीक है, वोकल कॉर्ड जब भी हम
बात करते टाइम में हमारे हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो जब भी हवा अंदर जाती है तो वोकल कॉर्ड में ना वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होने की वजह से वाइब्रेशन होती है, और साथ ही साथ ना दिस एरिटोनॉइड ऑल्सो मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्यू मसल्स, लैरिंजियल मसल, ठीक है, जिनका कि इंडिविजुअल नाम है, यहां मैंने बनाने की कोशिश की है। देखिए ये जो आपको ऑरेंज ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दे आर एरिटोनॉइड कार्टिलेज, दीज आर एरिटोनॉइड कार्टिलेज, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों, ठीक है, पेयर में है। इनसे ये रेड वाले जो है दे आर वोकल कॉर्ड्स, लिगामेंट्स हैं जो कि आगे जाके थायराइड से बाइंड हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं जाके। नेक्स्ट ये जो ग्रीन पोर्शन बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज थायरोएरिटोनॉइड मसल, क्यों, क्योंकि ये थायराइड से और एरिटोनॉइड से दोनों से ही अटैच है। साथ में यहाँ पे लेटरल पोजिशन पे दे आर कॉल्ड एज लेटरल क्रिकॉइड एरिटोनॉइड मसल, क्यों, क्योंकि ये एरिटोनॉइड से तो अटैच है ही, साथ ही साथ ये क्या बनाया मैंने, क्रिकॉइड कार्टिलेज भी बनाया। देखिए क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या बताया था मैंने, कंप्लीट सी रिंग होती है, ठीक है, सॉरी कंप्लीट रिंग होती है, तो ये कंप्लीट रिंग है पूरे स्ट्रक्चर के, ये ना सुपीरियर व्यू है। आप इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे यहाँ से मुझे काट दिया गया है, और मतलब किसी भी इंसान को काट दिया गया और उसके ऊपर से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो लेटरल क्रिकॉइड मसल्स आर ऑल्सो देयर। नाउ यहाँ पे होता है पोस्टीरियर क्रिको एरिटोनॉइड मसल्स आर देयर, तो इन सारी मसल्स की मदद से ये एरिटोनॉइड कार्टिलेज में मूवमेंट होता है, अल्टीमेटली वोकल कॉर्ड में भी मूवमेंट होता है, ये अलग जाते हैं पास आते हैं, ठीक है, इन दिस वे दे हेल्प इन मेकिंग वॉइस, आपकी इंडिविजुअल वॉइस आवाज बनाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, ठीक है, एक लैरिंग्स ना मेनली तीन भाग में बटा होता है, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड इंफ्राग्लॉटिस, ये तीन भागों में इसका विभाजन एक्चुअली खुद लैरिंग्स में पाए जाने वाली एक म्यूकोजा, एक लाइनिंग की वजह से होता है, उसमें कुछ फोल्ड आ जाते हैं जिसकी वजह से इन तीन भागों में इसका सेपरेशन हो जाता है। कैसे होता है, ये जो पिंक, ये सबसे बाहर जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, दिस इज एपिग्लॉटिस ब्लैक कलर का, नेक्स्ट टू दिस पिंक वन इज द म्यूकोजा, ठीक है, ये क्या है आपका एपिग्लॉटिस, and this pink one structure is mucosa, the lining, ठीक है, ये lining क्या है, fold हो जाती है, fold होने की वजह से ना यहाँ ऊपर fold हुई तो ये कहलाने लगी vestibular fold, और जब नीचे वापस इस तरह से आके ये वापस से fold होती है ना, this नीचे वाला fold is called as vocal fold, और इन दोनों fold के बीच वाला जो gap बन गया ना, this is called as glottis, so the portion from the inlet, the entry point of the larynx to this vestibular fold is called supraglottic, while this gap is called glottis, the gap between the vestibular fold and the vocal fold, while the portion from vocal fold to cricoid cartilage is called as infraglottic. So in this way, the larynx is divided into three part, okay, with the help of this mucosa membrane or lining. Now, so this is all about the larynx and how it produces voice of an individual and what are the cartilage and their respective position within the larynx. अगर हम बात करें इसके inlet की कि कैसे inlet, तो ये obliquely ना यहाँ पे अगर मैंने पूरे structure नहीं बनाया है, देखिए ये किसी इंसान का neck होगा, ठीक है, और further ये इसका टंग ओरल कैविटी होगी, ठीक है, ओरल कैविटी से यहां पे कहीं तो भी इसका फेरिंग्स, दिस पोर्शन एक्चुअली इज नथिंग, इट्स इज फेरिंग्स, तो ऑब्लिकली जो आपका लैरिंग्स होता है ना, ऑब्लिकली गेट एंटर, मतलब कि एंटर्स और कह लीजिए ओपन इनटू द फेरिंग्स, आपकी लैरिंगो फेरिंग्स में एंटर होता है, और ये इनलेट इस तरह से इसका बनता है, इनलेट पोर्शन में आपके मेनली क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड दिस एपिग्लॉटिस आर देयर, ऑफ कोर्स थायराइड कार्टिलेज आल्सो देयर। सो अगर हम बात करें इसकी, तो कहां से कहां तक रहता है, इट रिमेन्स अप टू C6 वर्टेब्री तक पाया जाता है इसका लोकेशन,
लैरिंग्स का, नियरली C3 टू C6 का इसका लोकेशन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लैरिंग्स. आई होप मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन. कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट अगेन मैं इसको और क्लियरली बना सकूं. और मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ. मिटल एंड स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.